फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, इसके डोमेन को कैलकुलेट करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डोमेन के डेफिनेशन को पढ़ा था। डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्स की वो सभी वैल्यू होती हैं जिसके लिए कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड हो, या एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए हम लोग कोई फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो फंक्शन गिविन है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन अपने रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे रियल वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू कब आएगी रियल, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो गिवन नंबर है, या जो गिवन फंक्शन है, उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो एफ एक्स को इसके रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा यहाँ पे देखो, हमें लिखना होगा एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अभी क्या है, एक इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके एक्स की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लो जो इस गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें, वही क्या होंगी, इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन होंगी। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं, एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता। ठीक है, तीन बात समझ में आई, माइनस वन से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इस गिवन इनइक्वलिटी को सॉल्व करना होगा। इस गिवन इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वेविकर मेथड या साइन स्कीम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। कैसे कर पाएंगे, देखो फर्स्ट स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी फैक्टर्स गिविन है जैसे x प्लस थ्री, एक्स माइनस फाइव, इनको इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कर लेनी होगी। x की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही क्या होंगी, इस फंक्शन वही क्या होंगी, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स होंगी। ठीक है, तो जैसे मान लो x प्लस थ्री को इक्वल टू मैंने जीरो पुट किया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू माइनस थ्री, और अगर मैं x माइनस फाइव को इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू फाइव, यानी हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस रियल नंबर लाइन पे इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दूंगा, माइनस थ्री यहाँ पे आएगा और फाइव यहाँ पे आएगा। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को थ्री इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, और तीसरा इंटरवल ये। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो किसी भी इंटरवल में हो सकता है, पहले इंटरवल में हो सकता है, या दूसरे में हो सकता है, या तीसरे में हो सकता है, या पहले दूसरे में हो सकता है, दूसरे तीसरे में हो सकता है, या पहले तीसरे में हो सकता है। ये इसी चीज़ को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हम लोग किसी भी इंटरवल को चूज़ कर लेंगे और उसके साइन को डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, तो जैसे मैंने इंटरवल नंबर टू को चूज़ कर लिया, माइनस थ्री और फाइव के बीच इंटरवल नंबर टू है, मैंने इंटरवल नंबर टू को चूज़ कर लिया और इसके साइन को डिटरमाइन करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा, इंटरवल नंबर टू में, इंटरवल नंबर टू से एक्स की कोई भी वैल्यू मैं उठा करके क्या करूँगा, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में इस गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसके साइन को डिटरमाइन कर लूँगा, इसका साइन क्या है। ठीक है, जैसे माइनस थ्री और फाइव के बीच क्या है, जीरो आएगा। ठीक है, मतलब जीरो इंटरवल नंबर टू में होगा, तो यहाँ पर अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करूँ, जीरो प्लस थ्री डिवाइडेड बाई जीरो माइनस फाइव, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थ्री बाई फाइव। तो जो भी नंबर आ रहा है वो क्या एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी नेगेटिव साइन इसका मिल रहा है, तो इंटरवल नंबर टू का जो साइन होगा वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, जब इंटरवल नंबर टू का साइन नेगेटिव है तो इंटरवल नंबर वन और थ्री का साइन क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वलिटी को दोबारा से देखना होगा, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा, और ऑब्जर्व करके ये देखना होगा कि क्या सभी फैक्टर्स की पावर ऑड है। यहाँ पे देखो x प्लस थ्री जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, वन है, और x माइनस फाइव की पावर क्या है, वन है, यानी सभी फैक्टर्स की पावर क्या है, ऑड है। अगर ऐसा है और आपने एक इंटरवल के साइन को डिटरमाइन कर लिया, तो इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, जैसे इस इंटरवल का साइन नेगेटिव है तो इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
और इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ये हम लोग ऐसे मार्क करते चले जाएंगे सभी इंटरवल को, एक तभी करेंगे जब इस गिवन इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर हैं उनकी पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो लेनी है, तो जिस इंटरवल को हम लोगों ने नेगेटिव से मार्क किया है उस इंटरवल के सभी वैल्यूज को हम लोग अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मतलब इंटरवल नंबर टू के सभी वैल्यूज को हमें लेना होगा और अपने आंसर को यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, देखना, यहाँ पे हमें लिखना होगा x belongs to -3 to 5। अब देखो यहाँ पे -3 पे मुझे क्या लगाना होगा, ओपन इंटरवल लगाऊं या क्लोज इंटरवल लगाऊं। देखो -3 अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो, यानी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो यानी जो -3 है वो हमारे सॉल्यूशन में होगा और हमें इस पे क्लोज इंटरवल लगाना होगा -3 to 5। यहाँ पे 5 पे क्या लगाना होगा, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। देखो 5 अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये समथिंग डिवाइडेड बाय 0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, यानी हम लोग अपने सॉल्यूशन में 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए 5 पे हमें क्या लगाना होगा, ओपन इंटरवल लगाना होगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू x की यही वैल्यू क्या करेंगी, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। x की यही वैल्यू क्या होंगी, इस फंक्शन fx का डोमेन होंगी, यानी x की इन्हीं वैल्यूज के लिए fx की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन अपने रियल वैल्यू के लिए हमेशा डिफाइंड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,